हाँ अब ये फाइल मैं कैसे दिखाऊं? मिल गया भाई, फाइल मिल गई भाई, लोग ये मैंने करा था फाइल। तो बेसिकली आपको जाना है, एक सेकंड मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन, कैप्चर हटाते हैं, स्क्रीन शेयरिंग पे जाते हैं। ये आई होप कि मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अरे यार गेम क्लोज ही कर दूँ क्या? अरे क्या ब्लैक स्क्रीन आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। ओ भाई माई बैड माई बैड भाई माई बैड, डैम। ठीक है अब दिख रहा होगा क्लियरली, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो बात क्या रहेगा, कुछ नहीं, आपको जो है अपने यूजर्स में जाना होगा, ठीक है, ऐप डेटा में बेसिकली पहुँचना है, ठीक है। ये मेरा ऐप डेटा इधर है, और लोकल में जाओगे, टेकन 8 के फोल्डर में चले जाना, ठीक है, जहाँ पे ये फाइल चिपका नहीं रहेगी, वो बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगर में जाओगे, विंडोज़ में जाओगे, तो यहाँ पे एंजन नाम की फाइल है। सो एंजन बेसिकली जो हमारी जो सेटिंग्स है वो सारी एंजन के नाम की फाइल में चेंज वो जो है सेव होती हैं। तो ये है फाइल, ठीक है। तो यू कैन गो टू दिस फाइल। और अरे स्किलर अब तो स्क्रीन दिख रही है ना क्लियरली? आई होप सो। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्लूम क्वालिटी 0, ब्लूम क्वालिटी इन गेम चेंज करने को नहीं मिलता है, मोशन ब्लर चेंज करने के लिए मिलता है, तो ये तो 0 ही है। मोशन ब्लर अमाउंट यहाँ पे 0.30 किया गया है। अब भाई मुझे इसके बारे में डिटेल में उतना नहीं पता, पर जो चीज़ यहाँ पे वो काम आ रही है वो आ रही है मैक्स एनिसोट्रॉफी, ठीक है, एनिसोट्रॉफी, पता नहीं इसे क्या बोलते। ये 16 किया हुआ है। एम्बियंट एकोलिजन बेसिकली वाटर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीज़ है, वो 1 कर दी है। लेंस फ्लेयर क्वालिटी इज 2, डेप्थ ऑफ फील्ड 200। अगर ये फाइल ऑलरेडी आपके सिस्टम में है तो उसमें सेटिंग्स में ये सारे चेंजेस यू कैन डू इट बिना ये सारी चीज़ों को छेड़े। इन सारी चीज़ों में कोई छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो सीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग बेसिकली यू हैव टू डू, मतलब यू हैव टू ऐसा मैं कह नहीं सकता, पर ये सारी सेटिंग मुझे चेंज करने में, लाइक जब मैंने चेंज किया तो मुझे लाइक फ्रेम स्पाइक्स होते ही नहीं है देखा जाए तो, कभी कभी बहुत रैंडमली अगर हो जाए तो। मतलब गेम काफ़ी स्टेबल चल रहा है जब से मैंने ये सारी सेटिंग्स करी है, ठीक है। सो होप कि ये सिस्टम सेटिंग आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसे कर लेना और एक बार चेक कर लो सिस्टम में कि है कि नहीं इंजन का नोट पैड, और उसमें बाई डिफॉल्ट ये सेटिंग्स क्या हैं, क्योंकि ये सारी सेटिंग्स ना यू कैन नॉट चेंज फ्रॉम इन गेम। तो थैंक्स टू दैट यूट्यूबर, उसका नाम भी मैं भूल गया। तो ये कर लेना या फिर मैं ये फाइल कहीं चिपका दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का डन। सो यू हैव बेसिकली चेंज दीज फ्रॉम दी फाइल। हाँ, क्योंकि देखो एम्बियंट ओकल्जन सेट जो सेटिंग होती है वो गेम में ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का, अगर इन गेम सेटिंग्स में जाओगे तो, बल्कि हर गेम में आजकल ये सब चीज़ें डालने लगे हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड जो है गेम के अंदर सेटिंग्स नहीं है, डेप्थ ऑफ फील्ड मैक्स साइज इस तरह की सेटिंग आपको गेम के अंदर नहीं मिलेगी, तो इंजन से जाके चेंज कर दी गई है। क्योंकि ये सब जो है, अब बात ये है ना कि टेकन पीसी रिलीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, और आप लोगों को अगर दूसरे से गेम्स भी खेलने होंगे, जैसे यूबीसॉफ्ट का आजकल के डेट में कोई गेम खेलोगे ना तो उसमें इन गेम बहुत सारी ग्राफिक सेटिंग्स और आपका जो है स्क्रीन सेटिंग्स मिलेंगी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हो। टेकन का काफ़ी इस वक्त तक लिमिटेड है आई वुड से, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, और अलग अलग सिस्टम से अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। एएमडी के लिए, एएमडी जीपीयू के लिए अलग चीज़ें हैं, तो दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो ये सब कर लेना और बाकी शायद नियो को ये मैं फाइल चिपका दूंगा। दैट्स इट, तो आज का स्ट्रीम ख़त्म करते हैं गाइस। होप यू लाइक इट, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। और हाँ बस यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।